Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Tariq Manzoor Khan and I am ready with today's lesson plan, which I have taken from the textbook of English 4th Tulip series. And the name of the lesson or theme which I have taken is, that is with a little bit of luck, chapter number 4 and page number 44. So here we go with a little bit of luck. That's an interesting chapter, and I have made this textbook, or we can say the theme book for this whole chapter. I will show it later, and this is my 13 step lesson plan, which I will show you step by step, and hope it will help our teachers in making their own lessons as per this field work. Okay, so let's start. So here we go. These are the 13 points which we have to work while just preparing our module, while preparing our lesson. So so here we go. पहला जो है, हम मैंने थीम लिया हुआ है, इसमें मैंने लिखा है विद अ लिटिल बिट ऑफ लक, चैप्टर 4 पेज नंबर 44 ट्यूलिप सीरीज इंग्लिश. एंड यहाँ पे मैंने क्लासेस लिए हैं, दो कवर किए. ये मेनली जो चैप्टर है वो फोर्थ क्लास का, लेकिन मैंने मिक्स में फिफ्थ को भी रखा है, बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम फिफ्थ के साथ भी कर सकते हैं, उनको भी सिखा सकते हैं. सो मैंने फिफ्थ भी दिया है, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल में काम करता हूँ, दो क्लासेस एक ही क्लास में होते हैं, तो दोनों को पढ़ाना होता है. सो मैंने मल्टी ग्रेड लिया हुआ है. यहाँ पर मैंने टाइम ड्यूरेशन का खास ख्याल रखा है, 40 मिनट्स मैक्सिमम है, मिनिमम आप कितना रखेंगे वो आप पे डिपेंड है. दैट इज़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखना है. मैंने यहाँ पे तीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं. पहला वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है, स्टूडेंट विल बी एबल टू लिसन, स्पीक, रीड, राइट. एंड क्योंकि लैंग्वेज हम पढ़ा रहे हैं, तो ये सारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है. स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंड द मॉरल ऑफ द टॉपिक और थीम, क्योंकि इसमें मॉरल बहुत अच्छा निकलता है, तो वो अंडरस्टैंड करने चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा. तीसरा मैंने लिया है, स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर सिंपल क्वेश्चंस विद ओरेसी. ओरेसी जो है हमारे दो स्किल्स के साथ आता है, एक आता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो है उसके साथ हम ओरेसी करते हैं. तो ऐसे ये ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा, जब भी हम बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछेंगे, वो सिंपल या आंसर पूछेंगे या कोई भी स्टेटमेंट पूछेंगे, तो वो ओरेसी के साथ उसको जवाब देना चाहिए. ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे. तो ये मैंने पूरा 3D फॉर्म में बनाया है. आपको इतना इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो आपको इतना बनाने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल फॉर्मेट में भी बना सकते हो. ये मैं जब टर्न करता हूँ तो मेरे पास आते हैं रिसोर्सेज कलेक्टेड टू ट्रांजैक्ट द थीम. तो रिसोर्सेज मतलब KTLM, जो भी आपका मटेरियल लगता है जो आपको ये लेसन पढ़ाने के लिए चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. तो मैंने भी बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं जो मैंने इस लेसन को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, या मैं फ्यूचर में भी करूँगा. पहला मैंने एक बनाया, स्टोरी बुक इन 3D फॉर्म विद बोथ इंग्लिश एंड उर्दू वर्जन. मैंने एक इसी लेसन का एक स्टोरी बुक बनाया हुआ है, तो वो 3D फॉर्म में मैंने बनाई है, उसमें मैंने ट्रांसलेट किया है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी. मैं आपको दिखाता हूँ वो. ये मैंने जो पहला आपका ये मेरा इसका बुक है, स्टोरी बुक. ये मैंने पूरा इसका टाइटल लिखा हुआ है, क्लास कौन सा है, इंग्लिश सब्जेक्ट कौन सा है, अवेलेबल इन टू लैंग्वेज भी मैंने लिखा है. इसमें मॉरल्स एंड वैल्यूज़ क्या क्या आता है, ऑनेस्टी आता है, ट्रूथफुलनेस आता है, ग्रीडी इज अ कर्स. ये मेरा इसका एक रिसोर्स रहेगा जो मैं यूज़ करूँगा. अपना नाम लिखा हुआ है मैंने. तो अगर आप इसको अंदर से देखोगे तो इसमें मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं कि कितने सारे कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, 8 कैरेक्टर्स है. इसमें मैंने थीम्स लिखे हैं वन बाय वन. इतनी ब्यूटीफुल बुक मैंने बनाई है कि आप इसको अपनी क्लासरूम लाइब्रेरी में भी रख सकते हो. हमने क्लासरूम लाइब्रेरी भी आपको एक प्रोजेक्ट है, वो आपको वो आप अपनी क्लासरूम में बना सकते हो. जैसे मैंने कैरेक्टर्स के कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं जो आप अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं. जैसे जो है, जो उसकी वाइफ है, जॉन एंड एली है, मिस्टर पीटर्स है, पुलिसमैन इसमें, मार्था है, मिस्टर एंड मिसेस जोन्स है. ये सारे कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं. और यहाँ पे मैंने विद अ लिटिल बिट ऑफ लक स्टोरी, जैसे मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है. ये मैंने स्टोरी ली है बुक से ही, और ये मैंने फ्रेम अप किया हुआ है. जैसे मैंने विद पिक्चर्स, यहाँ पे मैंने उसको ट्रांसलेट भी किया हुआ है उर्दू में, इंग्लिश में, उर्दू में. आप इसका दोनों वर्जन बना सकते हो. तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये बना हुआ है. तो इसमें थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है. तो आप देखो कितना इंटरेस्टिंग ये बना हुआ है. मैं आपको
ये बहुत वीडियो ज़्यादा बड़ा बनेगा, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा रहा हूँ। ये मेरा रिसोर्स है स्टोरी बुक, जो मैं बच्चों को इससे पढ़ाऊँगा। वहाँ से अगर आप देखेंगे लेसन में, बहुत ही छोटी स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा ब्रॉड किया हुआ है, बहुत अच्छी स्टोरी बनी है। तो ये यहाँ पर यहाँ तक एंड है, और यहाँ पर मैंने मॉरल लिखा हुआ है इंग्लिश में, मॉरल लिखा हुआ है उर्दू में, मैंने यहाँ पर असेसमेंट भी दिया हुआ है जो हमारे इसमें भी है, इसमें होम असाइनमेंट भी है, इसमें बहुत सारा, इसमें मॉरल भी लास्ट में निकलता है, बी गुड ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल एंड हम्बल। तो मैंने स्टोरी बुक बनाया हुआ है जो आप अपनी क्लास लाइब्रेरी में रख सकते हो। ये मेरा एक, वापस जाते हैं लेसन प्लान की और, तो हैंडमेड है ये। दूसरा मैंने मॉरल वैल्यू कार्ड्स, ये मॉरल वैल्यू कार्ड्स भी आप बच्चों को दिखा सकते हो, छोटे भी दिखा सकते हो, बड़े भी दिखा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉकेट बनाया हुआ है, पॉकेट में मैंने कुछ कार्ड्स बनाए हुए हैं, जैसे हम्बल, जैसे लॉयल, जैसे ग्रीडीनेस, जैसे ट्रूथफुलनेस, जैसे ऑनेस्टी, ये मेरे मॉरल वैल्यू कार्ड्स है, मॉरल बेस्ड कार्ड है। तो वो मैं इनको एक्टिविटी के थ्रू दिखाऊंगा, रिसोर्सेस मैंने ये कलेक्ट किए हुए हैं। पिक्चर कार्ड्स ऑफ दोज थिंग्स विच कम्स इन पेयर्स, तो मेरा तीसरा रिसोर्स रहेगा पिक्चर कार्ड्स ऑफ दोज थिंग्स विच कम्स इन पेयर्स, जो जोड़ों में आता है उनके आपको पिक्चर कार्ड्स चाहिए, लाइक इयर रिंग्स है वो पेयर में आती हैं, बैंगल्स है वो पेयर में आती है, शूज़ वो पेयर में आता है, सॉक्स वो पेयर में आता है, उनके पिक्चर्स आपको चाहिए, क्योंकि आपको लेसन में भी यही चीज़ें मिलेंगी, आपको काम आएंगी। चौथा मैंने प्ले कार्ड शोइंग मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसे प्ले कार्ड आप दिखाओगे, जैसे बी गुड ऑनेस्ट हम्बल एंड ट्रूथफुल, मैंने प्ले कार्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने रखा है सैम्पल के लिए, आप ये बच्चों को दिखा सकते हो। जैसे वर्ड वॉल ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स टेकन फ्रॉम द थीम चार्ट, या वर्ड वॉल जो है प्रथम की एक्टिविटी है, उसमें आपको वर्ड वॉल चाहिए, उसके लिए आपको जो है ड्राइंग शीट चाहिए, तो उस ड्राइंग शीट पे आप वर्ड वॉल बना सकते हो। या टीचिंग डिवाइस, वो तो जेस्चर्स है आपके यूज़ करने, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है, तो वो टीचर खुद करेगा कि वो मोटिवेट कैसे करेगा। ये हम मेरे रिसोर्सेज रहेंगे सारे, इतने आप नहीं ला सकते हैं, तो आप इसमें कोई भी बेस्ट चुन सकते हो और वो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लाए हुए हैं, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, आप ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये मैंने क्लासरूम्स में किए हुए हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट है असेसमेंट प्लान, ये भी एक हमारा पॉइंट है इसमें 13 स्टेप में। एन असेसमेंट प्लान इंश्योर्स अ प्रोजेक्ट स्टेज फोकस्ड ऑन इंटेंडेड लर्निंग गोल्स, मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा, आपको ये डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल से ही असेसमेंट आपने कैसे प्लान किया, कौन से क्वेश्चन आपने फ्रेम अप किए, वो आप यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि इसमें आप मेथड्स आपको लिखने हैं कि कौन से मेथड्स आप यूज़ करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी होनी चाहिए, जैसे मैंने लिखा रोल प्ले एंड परफॉर्मिंग ऑन वेरियस डिफरेंट कैरेक्टर्स विल एंगेज माई लर्नर्स टू लर्न बेटर, ऐसे मैं असेसमेंट करूंगा, मॉनिटरिंग में कैसे करूंगा, ऐसे मैं असेसमेंट प्लान करूंगा, नोइंग लर्निंग गोल्स क्या है तो उस पे मैं असेसमेंट प्लान करूंगा, मैंने ये डिटेल में थोड़ा सा लिखा है। तो आप अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, तो आप सिंपली असेसमेंट प्लान कैसे कर, मतलब क्वेश्चंस लिख सकते हो, जैसे कि आपका ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद जो है प्री क्लास असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, प्री मींस पहले जो आप असेसमेंट करेंगे, तो पहले असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको पता चलता है कि बच्चा कितने पानी में है, हाउ मच इज़ वेयर अबाउट द टॉपिक। ओके, सो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, जैसे A1 ये मैं ग्रुप में कर रहा हूँ, जैसे ए ठीक है, डू यू लिव अलोन और विद अ फैमिली, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट रिस्पॉन्स क्या आएगा वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। मैंने दूसरा लिखा है व्हाट काइंड ऑफ टाइप ऑफ फैमिली डू यू हैव, आपको कौन सी टाइप की फैमिली है, क्योंकि जो हम लेसन पढ़ रहे हैं ये सारे जो है प्री क्लास असेसमेंट में कर रहा हूँ उसके रिलेटेड है क्वेश्चंस, जैसे हु अर्न्स मनी एंड बाई डिफरेंट थिंग्स फॉर यू, स्टूडेंट रिस्पॉन्स क्या है कि कौन आपके घर में कमाता है। तो हमारा A4 असेसमेंट 4 जो है, डू यू फाइंड यूर सेल्फ लकी एंड अब, क्या आप अपने आप को खुशकिस्मत समझते हो, तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स क्या आएगा वो तो ज़रूरी डेफिनेटली कुछ ना कुछ बताएगा, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। जैसे A5 असेसमेंट 5 में मैं बोल सकता हूँ डू यू एवर फाउंड एनीथिंग लाइंग ऑन द फ्लोर और एनीवेयर, क्या आपने कभी कुछ आपको मिला जो आपने उठाया ज़मीन से या कहीं और से, तो स्टूडेंट क्या बोलेगा, वो यस भी बोल सकता है, नो भी बोल सकता है, रीज़न भी दे सकता है, वो आप यहाँ पे स्टूडेंट रिस्पॉन्स में लिख सकते हो। ये हमारा प्री क्लास असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ये आप अकॉर्डिंगली बनाओगे। हमारा नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ कंडक्टेड, मैं कौन से एक्टिविटीज़ करूँगा जिससे कि बच्चों को फ़ायदा मिले और वो ग्रो हो जाए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ से साइड में आप तो देख सकते हो, दैट इज़ हैंड राइटिंग स्किल्स डेवलपर, मैं यहाँ पे हैंड राइटिंग स्किल ऐसे एक्टिविटी में दूंगा जिससे कि हैंड राइटिंग
स्किल भी डेवलप हो जाएगा। मैं यहाँ पे रोल प्ले एक्टिविटी कराऊंगा। मैं 8 कैरेक्टर्स हैं इसमें, इस चैप्टर में, इस थीम में, तो 8 के 8 बच्चों से मैं इसका रोल प्ले कराऊंगा। तो वो भी एक एक्टिविटी मैं यहाँ पे लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे मेकिंग अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट मेकिंग, जैसे पोस्टर मेकिंग है, इनको बाद में जो क्वेश्चन भी आता है कि पोस्टर मेकिंग हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मेकिंग अनाउंसमेंट, जैसे मैंने लिखा है सब्जेक्ट फाउंड अ नेकलेस, डेट यहाँ पे मैंने लिखा आई हैव फाउंड अ नेकलेस आउटसाइड द पार्क, काइंडली टेक इट, हु एवर हैज़ लॉस्ट इट, इट हैज़ बीन केप्ट इन अ पुलिस स्टेशन पुलवामा। तो कामरान मेरा नाम है। तो ये मैंने बच्चों से क्या कराया, एक्टिविटी दैट इज़ मेकिंग अनाउंसमेंट एक्टिविटी। उसके बाद जो है एक और एक्टिविटी है राइटिंग के रिलेटेड ही, दैट इज़ राइटिंग मिसिंग रिपोर्ट। तो मिसिंग रिपोर्ट भी बच्चों को कैसे लिखाते हैं वो मैं उनको बताऊंगा। जैसे ऑफिसर इन चार्ज, जब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलवामा पुलिस स्टेशन, सब्जेक्ट लॉस ऑफ द नेकलेस, आई हैव लॉस्ट माय नेकलेस व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम पुलवामा टू कंगन, यू आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर द कंप्लेंट, थैंक यू, नेम एंड एड्रेस। आप अगर आप यहाँ पे पूरा इसको देख रहे हो तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे 4 लाइंस बनाए हैं। तो 4 लाइंस पे मैं बच्चों को दिखाऊंगा कि ये हैंड राइटिंग स्किल जो है वो कैसे डेवलप होता है, ताकि वो नीट एंड क्लीन लिखे और साथ साथ उनको ये मैसेज लिखने का, ये मिसिंग रिपोर्ट लिखने का ये स्किल भी बढ़ जाए। तो हैंड राइटिंग स्किल, आप ये ऑब्जेक्टिव, मैंने ये ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखा है, तो आप ये ऑब्जेक्टिव में भी ये पॉइंट लिख सकते हो ये राइटिंग स्किल का। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, ये भी हमारा एक पॉइंट आता है इसमें 13 स्टेप में, इस पे भी आपको काम करना है। क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मैंने लिखा है सर हु आर दिस पुअर पीपल एंड मिडिल क्लास पीपल, कौन लोग होते हैं ये, इफ पुलिस इज़ नॉट अवेलेबल वेयर विल वी गो टू रजिस्टर अ कंप्लेंट, अगर पुलिस अवेलेबल नहीं होगा तो कहाँ हम जाएंगे कंप्लेंट लिखने के लिए, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन, अच्छे इंसान की क्या क्वालिटीज़ होती है, सर आई सी मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग, वाई डोंट पीपल हेल्प देम, बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं लोग हेल्प करते हैं, सर व्हाट इज़ पाउंड एंड वेट्स, पाउंड क्या होता है और वेट्स क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपको इनको लेसन में पढ़ाना है। तो लेसन्स मैंने आपको दिखाया, लेसन मैंने इसमें नहीं लिखा है, वो आप नहीं लिखेंगे तो वो आपको पढ़ाना ही है, तो इसी में आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आप फ्रेम कर सकते हो। क्वेश्चंस आस्क्ड बाय टीचर्स, जैसे ये टीचर बताएगा इफ़ यू विल सी अ कॉस्टली ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द फ्लोर और एनी वेयर व्हाट विल यू डू, अगर आपको ऐसे मिलेगा तो आप क्या करोगे, व्हाट इज़ द गुड थिंग विच यू लाइक मोस्ट इन द स्टोरी, ये स्टोरी जो आपने पढ़ी उसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, व्हाट इज़ द बैड थिंग विच यू डू नॉट लाइक इन द स्टोरी, कौन सी गंदी चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं, ठीक है, यू डोंट लाइक, जो आपको अच्छी नहीं लगी, इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू बाय योर फेवरेट थिंग्स हाउ विल यू रिएक्ट, अगर आपके पेरेंट्स आपको अच्छी चीज़ें नहीं ला सकते तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, डू यू लाइक द कैरेक्टर ऑफ जो, वॉज ही अ गुड ह्यूमन, तो ऐसे क्वेश्चंस आप इसको फ्रेम कर सकते हो, तो बच्चा डेफिनेटली इसका आंसर देगा, और स्टोरी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पोस्ट क्लास असेसमेंट, ये मैंने 3D फॉर्म में बनाया, आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल से भी बना सकते हो, अगर ऐसा बन जाए तो माशाल्लाह फिर तो जिंदाबाद। सो पोस्ट क्लास असेसमेंट में ये लेसन पढ़ाने के बाद, स्टोरी पढ़ाने के बाद और थीम पढ़ाने के बाद आप ये क्वेश्चंस फ्रेम अप करोगे, ये आपके अगर आप लेसन खोलोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे एक्सरसाइजेस में, लाइक व्हाई वाज जो सैड, व्हाट डिड जो फाउंड ऑन द रोड साइड, जो वाज अ डैश डैश फादर, कौन सा फादर था, केयरिंग फादर था, रूड फादर था, अनकेयरिंग, वो आपको लेसन पढ़ाने में ही मिलेगा, जब बच्चे को समझ आएगा तो वो इसका आंसर देगा पोस्ट में, और वो आंसर देना ही चाहिए, दैट मीन्स कि आपका टॉपिक, आपका लेसन जो है वो पूरा कंक्रीट है, पूरा सक्सेसफुल है। हु वेंट टू द पुलिस स्टेशन, कौन गया पुलिस स्टेशन, व्हाट आर द एंटोनियम्स और अपोजिट्स ऑफ ओल्ड ऑनेस्ट सेल, तो ये बिल्कुल पोस्ट क्लास असेसमेंट में आप ये क्वेश्चंस लिख सकते हो। उसके बाद लर्निंग आउटकम मेरा क्या रहेगा, इसके लिए मैंने लिखा है द लर्नर रिस्पॉन्स टू सिंपल इंस्ट्रक्शन, जो भी मैं सिंपल इंस्ट्रक्शन दूंगा वो उसको रिस्पॉन्ड देगा, अनाउंसमेंट्स इन इंग्लिश मेड इन क्लास और स्कूल, रीड प्रिंटेड स्क्रिप्ट ऑन द नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे वो प्रिंटेड स्क्रिप्ट पढ़ेगा भी, अनाउंसमेंट, आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास, ठीक है ना, तो ये मेरे लर्निंग आउटकम रहेंगे, ये मेरा
लर्निंग आउटकम रहेगा। इसमें मैंने दो तीन चीज़ें ऐड की हुई है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है असाइनमेंट गिवन टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग क्लास। तो मैं कौन सा असाइनमेंट दूंगा जो क्लास में ही मैं दूंगा उनको, लाइक टिक द क्वालिटीज़ यू वांट टू ऑप्ट अडॉप्ट इन योरसेल्फ। आप अपने अंदर कौन से क्वालिटीज़ पैदा करना चाहते हो तो उसको आप टिक दे दो। जैसे ऑनेस्ट है, डिसओबे है, ट्रूथफुल है, तो वो टिक देता रहेगा। राइट टू मोर थिंग्स विच कम्स इन पेयर्स। ऐसी दो चीज़ें लिखो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मैंने यहाँ पे तीन दिया है, एक मैंने किया हुआ है, आपको दो करने हैं। वो चीज़ें आपको लिखनी है जो पेयर्स में आते हैं, जैसे कि अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ क्या आता है, तो वो आपको, वो आपने उन्होंने लेसन में पढ़ा भी होगा, आपने भी बताया होगा, तो वो असाइनमेंट में भी लिखेंगे। आर यू अ गुड एंड ट्रूथफुल बॉय, क्या आप अच्छे और गुड बेटे हो, सच्चे बेटे हो, तो वो लिखेंगे येस और नो, या सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। राइट थ्री सेंटेंसेज अबाउट द क्वालिटीज़ यू हैव इन यू, आपकी तीन क्वालिटीज़ क्या है वो आपको सेंटेंसेस में लिखने हैं, वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो, नो वरीज एट ऑल। राइट द अपोजिट्स ऑफ ओल्ड, ओल्ड को क्या आएगा, मार्केट आएगा कि न्यू आएगा, फ्रेंड को क्या आएगा, एनिमी आएगा कि नेबर आएगा, राइट को क्या आएगा, बैक आएगा कि लेफ्ट आएगा, सेल को क्या आएगा, बाय आएगा कि बाय आएगा। तो ये हमारा इसका असाइनमेंट्स गिवन टू द स्टूडेंट। जो हमारा लास्ट इसका पॉइंट है, दैट्स फीडबैक फ्रॉम पेरेंट्स, तो वो आप पेरेंट्स से ले सकते हो, क्योंकि पेरेंट को आपको मीट करना बहुत ज़रूरी है। इसको आपको दिखाना है कि मैंने आपके बच्चे को कैसे पढ़ाया, अगर वो सेटिस्फाई है तो उसको आपको लिख के लेना है, अगर उसको लिखना नहीं आता है तो आप खुद लिखेंगे और उससे नीचे साइन लेंगे, जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीट है, आपने लेसन भी पढ़ाया, आपने इसमें मॉडल भी बनाया, इसमें एक्टिविटीज़ भी किए, तो माशाल्लाह इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो अगर आप ऐसे पढ़ाएंगे तो माशाल्लाह ये तो बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने टीचर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। इंशाल्लाह हम एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे जल्दी जल्दी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।